ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर थर्टीन पॉइंट फाइव द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर टॉपिक वाइज लास्ट वैसे एक और है ओवरऑल पूरा चैप्टर आएगा दोबारा से बट टॉपिक वाइज लास्ट टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन ठीक है कल हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया टॉपिक नेम ऑफ द टॉपिक नेम ऑफ बर्नोली ट्रायल्स एंड एंडोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है बर्नोली ट्रायल्स ट्रायल्स एंड एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ व्हाट प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाइनोमियली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाइनोमियली ठीक है उससे पहले और और वो 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 कब है जब हमारे हमारे ट्रायल 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 हो हो ट्रायल भी भी कैसे हो? ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट शुड रिपीट मोर देन वंस फिर वो ट्रायल भी ऐसा ना हो, वो कुछ को फुलफिल करता हुआ बटन ट्रायल की कंडीशन में आना चाहिए ना? कुछ चार एक कंडीशन थी क्या क्या थी देना आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर एंड द प्रोबिलिटी ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर शुड रिमेन सेम इन ईच एंड एंड इन ईच एंड एवरी ट्रायल ओके ठीक है चलिए स्टार्ट करें अच्छा जो फॉर्मूला आपने को याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स निकालना है एक्स इक्वल uh, टू सिक्स एक्स इक्वल टू एक्स तो टेलमी क्या फॉर्मूला एन सी एक्स क्यू की फेलियर की तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों का डिफरेंस एंड माइनस एक्स एंड सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्स अच्छा कई बुक्स के अंदर या कई टीचर्स इसको पहले पढ़ाते हैं इसको बाद मतलब ये पी ऑफ एक्स पहले लिख देते हैं कि कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमने जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने पहले ये वाली क्वांटिटी लिखी थी बाद में ये वाली क्वांटिटी लिखी थी इसलिए मैंने भी वैसा का वैसा कर दिया बस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपको जितनी सक्सेस चाहिए सक्सेस uh, की probability की प्रोबेबिलिटी उतनी पावर आ जाएगी है ना और बची हुई पावर भी लगानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के ऊपर ऐसा नहीं कि उसको छोड़ जाए है ना उसको भी साथ में लगानी है ठीक है और पता क्या चलेगा बची कितनी इनका डिफरेंस देख लो उतना बची है जैसे दस में से अगर तीन सक्सेस चाहिए तो सात फेलियर वो डिफरेंस करके देखना पड़ेगा एन माइनस एक्स करके देखना पड़ेगा क्लियर है सारी बातें So, shall we start the exercise? So, in all, there are how many questions? 15, 15 questions. So, we will try to finish up uh, at least half exercise today. We will cover it in two videos. Okay? Okay? Time and Okay. So, 13.5, question number 1. A die is thrown six times. अब देखो पहचान भी आनी चाहिए अभी ऐसा नहीं कि सर ये चल रही है ट्रायल बर्नॉली और बर्नॉली ट्रायल्स लगेगा ही लगेगा दैट इज फाइन बट आपको पहचान करनी आनी चाहिए एग्जाम में कैसे पहचान नहीं है so, सो देखो जैसे ही एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा बार रिपीट हो छह बार रिपीट हो रहा है तो समझ जाना एक हिंट मिलना चाहिए देखो पूरे चैप्टर में आपको हिंट्स ही लेने हैं कि कब बेस थ्योरम लग रही है कब इंडिपेंडेंट कब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग रही है कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है कब रैंडम वेरिएबल है आपको हिंट्स लेने पड़ेंगे कोई नहीं बताएगा ठीक है ना और बर्नौली ट्रायल्स के हेट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट ज्यादा बार रिपीट होता है इतनी बार रिपीट होता है कि उसका सैंपल स्पेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जैसे सपोज करो एक डाय को छह बार ही थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे पता है सिक्स की पावर सिक्स अब सिक्स की पावर सिक्स वाले एलिमेंट्स uh, का सैंपल स्पेस बनाना और उसमें से एक एक पिक करके उसको एनालाइज करना इज नॉट पॉसिबल हम समझ पा रहे हैं ना तो यहीं से हिंट मिल जाता है कि यार ये तो ट्रायल है वर्नोली ट्रायल है कि नहीं चेक करो अब गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस आगे क्लियर कर दी उसने सारी कहानी कि ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर, नंबर नहीं मिलेगा तो इवन नंबर मिलेगा तो डाइकोटॉमस हो गया तो दैट मीन्स वर्नोली ट्रायल्स का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है ऐसा पहचान करनी आनी चाहिए ठीक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सक्सेस एटलीस्ट फाइव सक्सेस एंड एटमोस्ट फाइव सक्सेस ये हमारा क्वेश्चन ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट इज थ्रोन सिक्स टाइम्स डाय is wrong six times in which in which getting an odd number getting an odd number right getting an getting an odd number ज डिफाइंड एज सक्सेस इज डिफाइंड एज सक्सेस ठीक है ठीक है ना सो so, इतना लिख के गेटिंग एंड नॉट नंबर इज डिफाइंड एज सक्सेस डाय को छह बारी थ्रो किया हम एक लाइन लिखेंगे क्लियरली 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 इट इज अ बर्नोली ट्रायल क्लियरली इट इज ए बर्नोली ट्रायल ये बात अपने को लिखनी पड़ेगी कि बर्नोली ट्रायल है ठीक है नाउ वेन वी आर वी है बर्नोली ट्रायल तो अब अब क्या करना पड़ेगा जैसे पिछले एक्सरसाइज में आप एक्स डिफाइन करते थे रेंडम वेरिएबल अभी भी आपको वही करना है रेंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन करना है देखो पिछली एक्सरसाइज में रेंडम वेरिएबल एक्स कुछ भी डिफाइन हो जाता था

let the random variable x be defined as let the random variable x be defined as be defined as and the variable x be defined as x number of x आगे लिख दो number of successes लिख दिया हमने ठीक है ना ये तो रैंडम वेरिएबल बल एक्स डिफाइन कर दिया अब इवेंट जो है वो क्या है सक्सेस एंड फेलियर इवेंट क्या होंगे हमारे पास सक्सेस एंड फेलियर एंड नीचे लिखो एंड इवेंट्स एस एंड एफ बी डिफाइंड एस एस एंड एफ बी डिफाइंड एस एस एंड एफ को डिफाइन कर देते हैं अपन क्या माना है उसने सक्सेस को बताओ गेटिंग एन आउट नंबर एस तो डिफाइन हो जाएगा गेटिंग एन ऑट नंबर और उसका उल्टा हम ले लेंगे एफ को गेटिंग एन या तो इवन नंबर लिख लो या नॉट गेटिंग एन आउट नंबर कैसे भी लिख सकते हो ठीक है गेटिंग एन इवन नंबर तो जैसे ही हमको एस और एफ डिफाइन किया हमने तो अब हम एस और सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगला काम अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे एस और एफ की है ना वो हम हमेशा एक ट्रायल के बेसिस पे निकालेंगे ऐसा नहीं कि छह बारी थ्रो किया तो हम छह का सैंपल स्पेस सौंगे नहीं हमेशा बर्नोली ट्रायल और इस एक्सरसाइज में हमेशा सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी केवल और केवल एक ट्रायल के बेसिस पर निकाली जाएगी ठीक है ना छह बारी तो हम कन्वर्ट करेंगे ना फॉर्मूला है ना हमारे पास अगर छह बारी के हिसाब से सोचना पड़े तो फिर ट्रायल का क्या रोल हुआ फिर तो हम वैसे ही लॉजिकली लोगिक, सोच रहे हैं सारे की चीजें ठीक है समझ हम क्या लिख देंगे गेटिंग एन ऑट नंबर सो so, यहां से हम प्रोबेबिलिटीज निकालने वाले हैं सक्सेस एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको अपन स्मॉल लेटर पी से डिनोट कराएंगे वो क्या हो जाएगा कितने ऑट नंबर होते हैं तीन तीन नंबर होते हैं ना चाहो तो इसके आगे इसके आगे आप लिख भी सकते हो गेटिंग एन नॉट नंबर दैट इज वन और थ्री और फाइव थोड़ा हिंट आ जाएगा गेटिंग एन इवन नंबर दैट इज टू और फोर और सिक्स सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पी की वैल्यू हो जाएगी थ्री ऑन सिक्स ये भी वन बाय टू एंड probability of failure a probability of failure आप ऐसे भी निकाल सकते हो कई क्वेश्चन में ऐसे भी निकालना पड़ेगा कि 1 1/2 है ना वैसे भी निकाल सकते हो और इसमें इजीली आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको q से मार्क करेंगे 3/6 1/2 ऐसे क्यों और p और क्यों माना क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है है ना अब प्रोबेबिलिटी अब इतना पूरा लिखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसकी पावर लगाओ x इसकी पावर लगाओ एन माइनस एक्स उस फॉर्मूला के अंदर तो थो, थोड़ा सा हेक्टिक सा दिखाई देता है नहीं तो एक नंबर ही, ही है, तो है ये तो नंबर को तो अपन कुछ भी लेटर मार्क कर देते हैं मैथ्स के अंदर तो पी एन क्यू मार्क कर दिया गया ओके फाइन यहाँ तक क्लियर है चलिए अब ये पूरा सेट कर दिया आपने स्टेज तैयार कर दिया अब बस जाके नाचना है ठीक है ना स्टेज इज ऑल सेट अब जाके बस अपने को फॉर्मूला लगाना है विल गेट द आंसर ओके चलिए देखते हैं तो ये आ गया पी आ गया क्यू नाउ पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सक्सेस है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सक्सेस अपने को निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सक्सेस पहले क्वेश्चन में ही मैं कर पाऊंगा इतना सारा डिटेल में है ना फिर बाकी आपको अपने आप से स्टेप्स बनाने बाकी क्वेश्चन में थोड़े बहुत थोड़े बहुत बता दूंगा मैं तो कुछ चेंजेस होंगे तो बाकी अपन थोड़े स्पीड पकड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सक्सेस चाहिए अपने को पांच सक्सेस चाहिए दैट मीनस दैट स एक्स की वैल्यू फाइव हो गई ठीक है ना एक्स की वैल्यू फाइव हो गई दैट इज ऐसा लिख सकता हूं मैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर फाइव ये आपको चाहिए ये क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क ठीक है ना तो मैं क्या लिख दूंगा यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव We have, पहले तो फॉर्मूला लिख रहा हूं जनरल फॉर्मूला क्या होता था याद है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या होता है एन सी एक्स स्मॉल स्मॉल क्यू की पावर पी की पावर एक्स अब यहां पे बस कुछ नहीं करना आपको आपको वैल्यूज अप करनी है एक्स की वैल्यू फाइव है सो सो so, so, Of X 6 हो जाता है एन सी फाइव क्योंकि पावर अच्छा एन बी है ना मेरे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने यहाँ पे वो तो पता है हमको देखो क्या लिखा हुआ है सिक्स टाइम्स तो अपन तो यहाँ लिखा था ना क्लियरली इट इज ए बर्नोली ट्रायल इसके आगे लिख लो इन विच एन इन विच एन इक्वल टू सिक्स इन विच इन विच एन इक्वल टू सिक्स तो वो चीज वहां पे मेंशन हो गई तो यहाँ पे अब अपन एन की वैल्यू भी डाल दूंगा ना मैं सिक्स सी फाइव हो जाएगा क्या हो जाएगा सिक्स सी फाइव और क्यू की पावर क्यू की वैल्यू भी है one by two? अच्छा ठीक है वही वन बाय टू इसकी पावर तो हो जाती है सिक्स माइनस फाइव और पी क्या है वो भी वन बाय टू इसकी पावर हो जाती है फाइव ठीक है सिक्स ही फाइव सबको पता होना चाहिए सिक्स होता है जल्दी से है ना ऐसा नहीं कि इसको सोल्व करना पड़ रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा और वन बाय की पावर क्या हो जाएगी वन हो जाएगी इन टू वन बाय टू की पावर अगेन फाइव हो जाएगी तो सेम सेम प्रोबेबिलिटी में तो आप इजिली इसको जोड़ दोगे तो वन बाय टू की पावर तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी सिक्स ठीक है सो इट इज लाइक सिक्स इन टू और टू की पावर सिक्स जो है आपको पता होनी चाहिए क्या होती है सिक्सटी फोर लेकिन ऊपर देखो सिक्स से कटेगा नहीं है तो मैं क्या लिख देता हूं सिक्सटी फोर ना लिख के टू इन थर्टी टू ताकि एक टू तो कट जाए सो थ्री बाय थर्टी टू इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर प्लीज मैच सही है अब चले सेकेंड पे सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट फाइव सक्सेस एटलीस्ट फाइव सक्सेस पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि फाइव को कैसे कराते हैं right? राइट आपको ये चाहिए. P of, least, का मतलब कम से कम यानी लेस देन और इक्वल मतलब तो x ग्रेटर देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू फाइव ये चाहिए आपको इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये आपको चाहिए ठीक है सो वही सेम टू सेम यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन Have, वो वी हाँ, है, hmm. तो है? तो Zero, एक लाइन लिख दूंगा मैं यूजिंग उसमें से 5 या 5 से बड़ी चाहिए तो फिर पांच है। देखो अपन रैंडम वेरिएबल में क्या करते थे X को लिया, variable, तो अपन एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालते थे जीरो एक दो तो, तीन चार पांच 6 वो अपने माइंड में इस इस वाली एक्सरसाइज में ऑटोमेटिकली होनी चाहिए कि यही हो सकता है इसके अलावा नहीं हो सकता अब उसमें से एक दो जीरो नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए पांच और छह जिसमें से पांच अपन है वो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें से आपने पहले कुछ निकाल कर उसकी हेल्प हो जाए नहीं तो ऐसा नहीं हर बार वो नई चीज नहीं निकलवाएगा इतना लेंदी नहीं देगा वो है ना सो so, इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इक्वल टू फाइव तो अभी अभी ऊपर निकाली अपन ने क्या निकाली बताओ थ्री बाय थर्टी टू करेंगे उसको copy, paste, और इसको अलग से निकालनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा और की पूरा दिखाएंगे एक बार फिर अगले स्टेप में लिखेंगे इन टू अगेन वन बाय टू की पावर सिक्स ठीक है सो इट इज लाइक थ्री बाय थर्टी टू प्लस सिक्सटी सिक्स वन होता है तो वन बाय टू की पावर जीरो वन ही हो गया तो वन इन टू

First, कल के अपने एंड भी लिया था ना एग्जांपल में सर एट मोस्ट इसको पहले डिनोट करना चाहिए इट इज लाइक पी ऑफ एट मोस्ट का मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा तो लेस देन इक्वल टू है ना एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव ये चाहिए आपको इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये आपको चाहिए सो so वो लाइन लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव पी ऑफ लेस देन इक्वल टू फाइव को देखो लेस इक्वल टू फाइव का मतलब है आपको x equal to 0 भी करना है, x equal to 1 भी ऐड ऐड करना से पास x equal to 5 की नियम के नियम टू की सारा तमजाम हम नहीं निकालेंगे स्मार्टली स्मार्ट वर्क स्मार्ट को यूज करेंगे हमने रैंडम वेरिएबल वाले एक्सरसाइज में सीखा है की जब रैंडम वेरिएबल अपन बनाते हैं कोई भी जैसे एक्स को मैंने बना दिया नंबर ऑफ सक्सेस तो वो एक्स की जो जो भी वैल्यूज हो सकती है उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है वन होता है ये हमने सीखा है तो हम क्यों ना एक काम करें हमको लेस देन इक्वल टू फाइव चाहिए ना तो हम क्या कर दें हम क्या कर दें इसको ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस वन माइनस अब बचा क्या फिर पांच के अलावा बचा क्या छह ही तो बचा छह ही तो बचा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 6 समझ आया ना ठीक है देख लो इधर एक बार फिर से हमने रेंडम वेरिएबल में क्या सीखा था कि अगर अपन एक्स को डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ सक्सेसेस उसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकाल रहे हैं अलग अलग केसेस में तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है इस केस में अगर छह ही उछालेंगे तो जीरो एक दो तीन चार पांच और छ मैक्सिमम हो सकती है ठीक है तो हमको क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू फाइव दैट मीन्स मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए ये वाला मुझे पोर्शन चाहिए

सो so, माइनस ये करना है अब इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूं इस लेके इसमें ये तो वन केस सिक्सटी फोर थी ना सेवन बाई सिक्सटी फोर तो इन लोगों का सम था अपने को केवल ये वाला पोर्शन माइनस करना है ना एक्स इक्वल टू सिक्स

और इस पोर्शन का आंसर है तो आपको केवल तो को करना है इसको नहीं है ठीक डन चले आगे पहला क्वेश्चन से थोड़ा हिंट मिला थोड़ा अपन इसको डिटेल में भी किया अगले क्वेश्चन कर दूं डिलीट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द एक्सरसाइज इज अब देखो एक्सपेरिमेंट्स बदलता रहेगा धीरे-धीरे ऐड ए डाइस को थ्रो करा ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन फोर टाइम्स इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसीडर्ड ए सक्सेस फाइंड द प्रोब अब सुनना ध्यान से चार बारी तो फेंक रहा है लेकिन एक डाइस को नहीं अलग पेयर ऑफ डाइस को अब सुनना ध्यान से जब पेयर ऑफ डाइस को एक बारी फेंकते थे वन टाइम तो ही 36 तो ही 36 आउटकम्स होते थे तो, तो अब चार बार ही बारिफ रहे हैं तो छत्तीस की पावर चार इतने आउटकम्स होने वाले हैं अगर आप सैंपल स्पेस रेडी करने जाए तो शायद कुछ दस हजार या लाखों में ये संख्या जाने वाली है तो तो सैंपल स्पेस नहीं बना सकते आपने को डिफाइन तो कर लिया बेटा नंबर ऑफ सक्सेसेस ठीक है लेकिन एक्स को डिफाइन करने के बाद आपको एक एक सैंपल स्पेस के एक एक, एक आउटकम पे एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी यही कैसे किया था अपने पिछली एक्सरसाइज में क्या इतने सारे में पॉसिबल है नहीं सो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ बर्नोली ठीक है तो अब थोड़ा शॉर्ट में कर दूं क्या ठीक है ओके तो देखो चीज लिख रहा हूं थ्रोन फोर टाइम्स चार बार हम फेंक रहे हैं ना तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर Four. पहली चीज तो याद है ठीक है अब सुनना गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस अच्छा जी यस सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं हम गेटिंग नहीं सक्सेस तो फेलियर कैसे डिफाइन होगा नॉट गेटिंग ए डबलेट शॉर्ट में भी करेंगे तो भी इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना ना सक्सेस क्या है फेलियर क्या है एन की वैल्यू क्या ठीक है सो so, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको अपन P बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपन Q बोलते हैं वो पता चल डबल एट का मतलब क्या होता है ठीक है थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स ये होता है डबल एट तो अगर मैं एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार ही फेंक रहा हूं तो उसमें से छह तो बार डबलेट आ सकता है आउट तो तो ये, ये, ये काम हो गया अब ये डबल ये जो पेयर ऑफ टाइस ये एक बार ही नहीं दो बार ही नहीं तीन बार चार बार फेंका जा रहा है ठीक है यहाँ तक क्लियर है और आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी सक्सेस टू सक्सेस एक्स इक्वल टू टू को आपको ये चाहिए आपको चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू चाहिए फटाफट लगाओ फॉर्मूला और आंसर निकालो सो इट विल बी लाइक टोटल चार बार फेंक रहे हो आप तो चलो फार्मूला लिख देता हूं एक बार में फोर फॉर्मूला क्या है एन सी एक्स क्यू की पावर है माइनस एक्स पावर है फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है उसके दो फायदे हैं पहला फायदा तो ये है कि मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं आपको आदत पड़ जाती है लिखने की दूसरा फायदा एक और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये कि आपको फॉर्मूला याद हो जाता है हर एक क्वेश्चन में लिखने से ठीक है सो इक्वल टू फोर सी एक्स क्या है टू क्यू की पावर क्यू की वैल्यू क्या है 6, की पावर क्या लगानी है टू अच्छा फोर सी टू सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक फोर इन टू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू अगेन दो बार टू फैक्टोरियल ठीक है फाइव बाय सिक्स की पावर टू करनी है तो इट इज लाइक फाइव का तो स्क्वायर और सिक्स का स्क्वायर और इधर से भी मिलेगा तो की पावर हो गई ठीक है ये ये गया निकालते हैं ना एक क्यूब एक रहने देते हैं सिक्स का क्यूब मुझे पता है दो सौ सोलह होता है तो सिक्स से सिक्स का आंसर इज ट्वेंटी बाय टू वन मैच करो आंसर डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर फाइव परसेंट डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स वॉट इज द प्रोबलिटी दैट सैंपल ऑफ टेन आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम क्वेश्चन समझ आया क्या मुझे बताओ क्वेश्चन yes. समझ आया अच्छे से yes. तो मुझे इतना बता दो कि क्या ये बर्नोली ट्रायल है क्या सोच के बताना नंबर नहीं दे रखा ये टेन क्या है फिर? हो क्या रहा है वहाँ पे स्टोरी तो क्या तो लार्ज बल्क में से पांच परसेंट डिफेक्टिव है तो बच्चे नाइनटी फाइव परसेंट नॉट डिफेक्टिव है अच्छे वाले आइटम है अब आपको संभावना बतानी है कि उन लार्ज बल्क में से मैं दस आइटम निकाल दू कितने सैंपल निकाल दस आइटम का तो उसमें डिफेक्टिव आइटम नॉट मोर देन वन होना चाहिए यानी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलो वो होना कितना चाहिए वो तो बात की बात है पहले तो आप ये बताओ कि लार्ज बल्क में से मैं दस आइटम निकालूंगा तो क्या ये बर्नौली ट्रायल होगा क्या नहीं, हो। नहीं होगा नहीं हो। कितने भी हैं उससे क्या फर्क पड़ता है पांच परसेंट डिफेक्टिव है ना सपोज करो डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है आपने एक आइटम निकाला तो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी बताओ उस... एक आइटम आपने निकाला तो संभावना बताओ कि वो डिफेक्टिव निकले फाइव बाई हंड्रेड और नॉन डिफेक्टिव आने की नाइनटी फाइव बाय हंड्रेड हो जाएगा ना तो वो आइटम कितने उससे क्या फर्क पड़ता है आपको डिफेक्टिव का रेशियो तो दे रखा है ना तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो ना डिफेक्टिव भी होगा तो डिफेक्टिव निकलेगा निकले 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 भी हो रहा है, 100, 95 कितनी बार रिपीट कर रहे हो दस बारी तो वो दस बारी जब आप उस आइटम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो एक एक आइटम निकालना तो वो ट्रायल जो है वो ट्रायल तो हो गया क्योंकि रिपीट हो गया लेकिन वो बर्नोली ट्रायल होगा क्या बर्नोली ट्रायल की क्या क्या कंडीशन थी तलमी फाइन फाइनाइट है मैं दस बार ही कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट दूसरी अब ये सोचो आप इंडिपेंडेंट है या नहीं है अब ये सोचो इंडिपेंडेंट है या नहीं आपने एक बार आइटम निकाला तो उसकी डिफेक्टिव आने की संभावना पता है आपको फाइव बाई हंड्रेड जब आप दूसरा आइटम निकालोगे तो उसकी डिफेक्टिव आने की संभावना उतनी ही है क्या जितनी पहली है एक तो निकल गया तो जब आप दस आइटम का सैंपल निकाल रहे हो तो दस आइटम मेरे हाथ में है ना ऐसा उसने क्लियरली कहा नहीं कि वापस रख दो तो जब वो नहीं कहता ना तब बाई डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाता है मैंने कहा दस पत्ते निकालो तो आपने कुछ कहा नहीं तो मैं वापस क्यों रखूंगा इसने भी नहीं कहा सैंपल में तो वैसे सपोज करो कोई इंस्पेक्शन की टीम आई तो बहुत सारे आइटम्स में दस आइटम्स का सैंपल वो चेक कर रही है तो वापस क्यों रख के देखेगी एक दिखा लेगी चेक करेगी दूसरा निकालेगी चेक करेगी तीसरा ऐसे ही तो करिए हो सकता है दस के दस एक साथ ही निकाल ले ऐसे भी तो कर सकती हो और दस के दस दस एक साथ निकालना था सो भी क्या होता है विदाउट रिप्लेसमेंट ठीक है अब क्या करूं तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ये तो दस आइटम आप एक साथ निकाल रहे हो तो ये ट्रायल तो है क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो रिपीट हो रहा है बट इट इज नॉट ए बर्नोली ट्रायल तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं एक चीज कहने वाला हूँ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स में आपने कहा सर नहीं पता कितने तो लार्ज बल्क ऑफ आइटम जब आपको नहीं पता ना तो आप मानोगे बहुत ज्यादा लार्ज बल्क है लाखों करोड़ो आइटम है उसमें सुनना ध्यान से एक लाख आइटम है हमारे पास एक वन, तौजन, 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 लाख, लाख आइटम इसमें से पांच परसेंट इफेक्टिव है तो पांच परसेंट इसका मैं निकालू तो कितने होते हैं लगभग पांच परसेंट कितने होंगे इसके पांच हजार और बच्चे में नाइन्टी फाइव नॉन डिफेक्टिव हो जाए तो आपने एक आइटम निकाला पहला आइटम निकाला पह, एक बार पहली बार रिपीट किया उसको मतलब एक्सपेरिमेंट को किया तो डिफेक्टिव आने की चांसे के चांसेस क्या है फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लैख ठीक है फिर दूसरी बार जब आपने उसको निकाला तो एक तो निकल चुका है डिफेक्टिव तो वापस डिफेक्टिव आने के चांसेस डिवाइडेड बाय ठीक है तीसरी बार निकाला तो फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी सॉरी ठीक है और इस बार इसमें क्या हो जाएगा नाइन 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 तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी यहां आपस में इक्वल तो नहीं है मैं भी मानता हूँ आप भी मानते हो मैथमेटिक्स का कोई भी स्टूडेंट या टीचर मानेगा कि दिस नंबर अदर बट करीब करीब इतनी ही इक्वल हैं कि इनको इक्वल मान लिया जा सकता है मतलब इनका डिफरेंस इतना कम है इतना कम है कि मैशर ही नहीं किया जा सकता मैशन ही नहीं किया जा सकता कोई इनका डिफरेंस बताओ तो कितना सा होगा है ना तो क्योंकि अभी तो मैंने एक लाख माना है हो सकता है वहां एक करोड़ हो हो सकता है दस करोड़ लार्ज तो लार्ज है इनफाइनाइट तो में से एक निकाल रहे। तो जब ऐसा हो तो हालांकि वो बर्नोली ट्रायल की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है हर बार बट वो इतना कम डिफरेंस है कि उसको करीब करीब सेम मानते हुए बर्नोली ट्रायल मान लिया जाता है समझ गए सो so, ये आपको याद रखना है मार्क करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बच्चे बर्नौली ट्रायल मानते ही नहीं और घूमते रहते हैं पता नहीं ठीक है समझे तो हम तो मान लेंगे बर्नौली ट्रायल है कर दो अब क्या है? इतना ही तो सोचना था इतना ही तो सोचना था ना ठीक है आप क्या से कैलकुलेटर उठाना बेटा इसको डिवाइड करना इसको डिवाइड करना इसको डिवाइड करना, करना देखना डिफरेंस निकालना इसका, इसका इसका इससे क्या डिफरेंस ठीक है ना सो गेट की इतना कम डिफरेंस है कि एक्चुअली कैलकुलेटर भी मेजर नहीं कर पाएगा इतना मामूली सा डिफरेंस होगा ठीक है ओके okay. चलो तो आ जाओ आप हाँ तो कुल मिला के बात इतनी है कि दस बार आप आइटम निकाल रहे हो तो बर्नोली ट्रायल मान लिया हमने ना वो आपको स्टेप्स लिखनी है कि इट इज अ केस ऑफ बर्नोली ट्रायल्स इट इज अ केस ऑफ बर्नोली ट्रायल्स इन विच एन इक्वल टू टेन दस बार ही निकाल रहे हो आप आइटम उसके बाद सक्सेस को कैसे डिफाइन किया गया है आपको क्या चाहिए देखो जो आपको चाहिए वो डिफेक्ट वो जो आपको चाहिए वो सक्सेस होनी चाहिए फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी कोई कहे सर डिफेक्टिव आइटम आना सक्सेस कैसे हो सकती है किसी भी चीज के लिए है ना भाई कोई कंपनी के लिए अगर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ वो तो फेलियर है एक तरीके से कंपनी का लेकिन हमको नहीं सोचना हमको तो जो उसको चाहिए ना वो सक्सेस है हमारे लिए सो सक्सेस विल बी डिफाइंड एज गेटिंग एन गेटिंग एन डिफेक्टिव आइटम एस लिख देता हूँ शॉर्ट में एस विल बी डिफाइंड एज गेटिंग एन डिफेक्टिव आइटम और फेलियर यानी एफ इज डिफाइंड एज गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव आइटम नॉन डिफेक्टिव आइटम सो यहां से जैसे हम सक्सेस एंड फेलियर को डिफाइन करते हैं तो पहले अगला काम हो जाता है पी और क्यू की वैल्यूज निकालना राइट right?

ऑफ देटलूड नॉट मोर देन डिफेक्टिव आइटम इसको आप लिखोगे कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बोलो आगे क्या लिखोगे एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं आना चाहिए जीरो आ सकता है उससे ज्यादा नहीं आ सकता तो लेस देन इक्वल टू वन ठीक है एक आ सकता है एक से कम आ सकता है लेस देन इक्वल टू वन तो इसको करने के लिए वो दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा एक तो एक्स इक्वल टू जीरो बस दैट्स चेक कर दो सॉल्व ठीक है फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स ये आपको लिखना है मेंशन जरूर करना है क्वेश्चन तो एज पर दिस फॉर्मूला एक्स इक्वल टू जीरो का uh, क्या हो जाएगा एन की वैल्यू है टेन तो टेन सी क्या है क्यू नाइनटीन बाई की पावर तो हो जाएगी टेन माइनस जीरो और सक्सेस है वन बाई ट्वेंटी की पावर हो जाएगी की पावर हो जाएगी क्या एक्स एक्स क्या है सी ठीक है प्लस प्लस आगे चलो अगला केस सेकंड प्लस चेक द नेक्स्ट केस टेन सी जीरो के बाद अब क्या हो जाएगा टेन सी एक्स वन है ना सो टेन सी वन और वही नाइनटीन बाय ट्वेंटी की पावर हो जाएगी टेन माइनस वन और वन बाय ट्वेंटी की पावर क्या हो जाएगी वन ठीक है फाइन ठीक है अब देखो आगे क्या सॉल्व करें टेन से जीरो क्या होगा वन इन टू ये टेन माइनस जीरो है तो एक्चुअली ये क्या है नाइनटीन की पावर टेन और ट्वेंटी की पावर टेन और ये तो वन है वन बाई ट्वेंटी की पावर एनीथिंग की पावर जीरो तो वन होती है ठीक है आगे चलो प्लस प्लस टेन सी वन क्या होता है टेलमी टेन होता है सो so, नाइनटीन की पावर 19 में 20 की पावर नाइन है तो so, नाइनटीन की पावर नाइन ऊपर और ट्वेंटी की पावर देखो ट्वेंटी की पावर वापस टेन हो गई देखो यहां के क्या हो गई 20 की पावर 10. 19 की पावर तो 9 है और ट्वेंटी की पावर टेन है तो नहीं अभी नहीं काटेंगे इन दोनों से कॉमन लेंगे वो हमारे लिए आसान होगा फिर बाद में देखेंगे काटना ही नहीं काटना ठीक है ओके सो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ क्या कॉमन आ सकता है नाइनटीन की पावर तो नाइन और ट्वेंटी की पावर टेन ये पार्ट आ गया कॉमन अंदर क्या बचा यहां तो नाइनटीन बचा फर्स्ट वाले केस में ओनली नाइनटीन बच गया प्लस अगले वाले केस में बताओ क्या बचा टेन सो नाइनटीन प्लस टेन क्या होता है ट्वेंटी नाइन तो इस फॉर्म में आप छोड़ के आएंगे आंसर नाइनटीन की पावर नाइन इंटू ट्वेंटी की पावर टेन इंटू ट्वेंटी इससे ज्यादा तो शायद उन्होंने भी सॉल्व नहीं किया चेक करो ट्वेंटी नाइन अपॉन अच्छा इसमें से एक एक पावर एक पावर और निकाल ली तो ट्वेंटी नाइन अपॉन ट्वेंटी हो गया अब दोनों की पावर क्या हो गई नाइन हो गई बची हुई तो नाइनटीन बाई ट्वेंटी की पावर नाइन ठीक है हाँ ऐसे कर देंगे अपन अपने को क्या फर्क वैसे आप इधर भी छोड़ के आओगे तो कोई गलत नहीं करता ठीक है डन समझ आया करने भी नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की पावर नाइन सोल्व कर सकते हो लेकिन 19 की पावर नाइन क्या सोल्व करेंगे टू की पावर नाइन पांच सौ बारह और नो जीरो लगा दो ठीक है ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अच्छा क्वेश्चन था ये मतलब पहचान के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था कि बर्नोली ट्रायल की पहचान कर पाते हो नहीं कर पाते फोर्थ एंड फिफ्थ आर डायरेक्ट क्वेश्चन बस थोड़े इजीजी हैं, पर हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पांच कार्ड्स निकाल रहे हो विथ रिप्लेसमेंट आप गया है ना कार्ड्स में से इज द प्रोबेबिलिटी दैट सारे के सारे स्पेड होने चाहिए केवल तीन ही स्पेड होने चाहिए और एक भी स्पेड नहीं तो यानी स्पेड आने को वो क्या मानता है सक्सेस और कार्ड्स कितने निकाल रहे हैं पांच सो क्लियरली इट इज ए केस ऑफ बर्नोली ट्रायल इन विच एन की वैल्यू बोलो फाइव क्योंकि पांच कार्ड निकाल रहे हैं एन की ओनली फिफ्टी टू मत लिख देना गलती से वो फिफ्टी टू तो आपको इसलिए लेता है और, failure, सुनना से, की और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा हमेशा ट्रायल एक ट्रायल पे आप uh, सोचोगे मतलब आप ऐसे नहीं लिखोगे सक्सेस इज गेटिंग फाइव स्पेड्स एक ट्रायल के हिसाब से नॉट गेटिंग कितने स्पेड होते हैं मतलब उसके अंदर एक स्पेड एक पूरा स्पेड एक सूट है चार सूट होते है ना उसमें से डायमंड खिचड़ी को क्या कहते हैं क्लब ठीक है ना तो तेरा तेरा पत्ते होते हैं सो mm -hmm. so, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसको अपन पी से डिनोट कराते हैं थर्टीन बाय फिफ्टी टू दैट इज वन बाय फोर और एक बार पी आ जाता है तो अपन क्यू तो माइनस करके भी निकाल सकते हैं वन माइनस वन बाय फोर दैट इज थ्री बाय चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द चलो तो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं मैं एक बारी के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी टू एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स दिस इज द फॉर्मूला जिसका रेफरेंस अपन लेते रहेंगे तीनों पार्ट्स में ठीक तो तो है 5, तो आ जाओ आपको चाहिए एक्स की वैल्यू फाइव तो एन है फाइव तो फाइव सी फाइव क्यू की पावर क्यू क्या है क्यू की वैल्यू क्या है थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर की पावर तो जीरो हो गई फाइव माइनस फाइव और वन बाय फोर की पावर कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी ठीक है साहब तो फाइव सी फाइव तो वन हो गया और वो भी वन हो गया थ्री बाय फोर की पावर जीरो सिंपली वन फोर की पावर फाइव ठीक है क्या होता है पता है यानी की पावर 5, तो फोर की पावर फाइव बेटा टेन के बराबर होता है चौबीस ठीक है आपको शॉर्ट में आना चाहिए चलते हैं अब तीन स्पेट्स चाहिए आपको so, X 3. So, like 5C3, 3 की पावर हो जाती है फाइव माइनस थ्री हो जाती है और वन बाय फोर की पावर हो जाती है एग्जैक्टली थ्री सक्सेस को करना पड़ेगा सही किया okay, चलो अब की पावर तो क्या रहेगी थ्री का तो स्क्वायर हो गया और फोर की पावर फाइव हो गई राइट डिनोमिनेटर की तो पूरी पावर बनी जाती है ना फाइव माइनस थ्री थ्री का स्क्वायर हो गया okay. चलो इसको थोड़ा सा काट पीट दें तो थ्री फैक्टोरियल गया थ्री फैक्टोरियल गया और ये टू टाइम्स गया तो फाइव टू जै टेन है ना तो एक टू देखो ऊपर से कट सकता है चांसेस है ना तो मैं कैसे करूंगा देखो इसको फाइव इंटू टू इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर की पावर फाइव में से मैं एक फोर निकाल देता हूं और फोर की पावर फोर कितना होता है आपको बताना चाहिए टू की पावर एट के बराबर होता है यानी टू फिफ्टी सिक्स ठीक है ना तो टू से वन एंड टू से टू टाइम ये गया ठीक है

और सक्सेस आपको एक भी की पावर जीरो चाहिए से है ना और थ्री बाय फोर की पावर फाइव तो थ्री की पावर भी हो गई और की पावर भी फाइव हो गई और वो तो वन हो ही गया सो इट इज क्लियरली थ्री की पावर फाइव पता होना चाहिए टू फोर्टी थ्री और फोर की पावर फाइव एक हजार चौबीस आंसर मैच करो तीसरा टू फोर्टी थ्री बायर चौबीस समझ आया सो डायरेक्ट नहीं है अब एक अगला वाला भी डायरेक्ट है दो डायरेक्ट ही है अगला वाला भी फटाफट खत्म करेंगे कर दो डिलीट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर वन फिफ्टी डेज ऑफ यूज इज़ एक फैक्ट्री ने एक बल्ब प्रोड्यूस किया ठीक है ना वो 150 सौ दिन के बाद फ्यूज हो जाएगा इसकी संभावना क्या है 0.05

ताकि आप इस 150 को कहीं यूज कर लें कहीं बच्चे ऐसे सोच लें कि 0.05 पॉइंट जीरो ऑफ वन निकालना है ठीक है देखो एक चीज याद रखना कि जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे देखो इधर वन डेज ऑफ यूज और यहाँ पर भी वापस उसने ये ले लिया वन डेज ले लिया तो इससे ये चीज कट गई इसको पढ़ना ही नहीं ना नीचे ना ऊपर डन ये केवल आपको एक एक रेफरेंस दिया कि डेढ़ सौ दिन का आंकड़ा देखकर उन्होंने चेक किया पलब को कि कि वो फ्यूज होता है कि, नहीं गारंटी उसकी दिन गाइव तो, तो है पी देखो इसने फ्यूज होने की ही प्रोबेबिलिटी बताई है और फ्यूज होने की ही पूछी है अब उल्टा भी करता है कई बार प्रोबेबिलिटी दे तो दी फ्यूज होने की और पूछ ली नहीं फ्यूज होगा तो अब नहीं फ्यूज होगा सक्सेस है हमारे लिए

हा तो अपन फ्यूज बल्ब निकलने को सक्सेस मानेंगे फ्यूज बल्ब निकलने, फ्यूज निकलने को सक्सेस मानेंगे क्योंकि उसने क्या कहा है कि एक भी फ्यूज एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा एक ही बल्ब फ्यूज होगा एक से ज्यादा होगा मतलब हमेशा फ्यूज होगा फ्यूज होगा फ्यूज होगा कह रहा है वो तो फ्यूज होना ही हमारे लिए सक्सेस है ठीक है ओके सो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ वन ऑली ट्रायल इन विच एंड इक्वल टू फाइव क्योंकि सैंपल में पांच बल्ब का निकाल रहा हूं और सक्सेस एंड फेलियर डिफाइन करते हैं जल्दी से सक्सेस इज यानी एस इज डिफाइंड एज एस इज डिफाइंड एज हाउ कि बल्ब विल फ्यूज आफ्टर वन फिफ्टी डेज ऑफ यूज बल्ब विल फ्यूज आफ्टर वन फिफ्टी डेज ऑफ यूज और फेलियर इज बल्ब विल नॉट फ्यूज बल्ब विल नॉट फ्यूज आफ्टर वन फिफ्टी डेज हो सो यहाँ से पी एन क्यू निकाल लेते हैं तो पी आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है डेढ़ सौ दिन के बाद क्वेश्चन में से ये करीब करीब क्वेश्चन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको गिवन देगा ही देगा है ना कई बार डायरेक्टली दे देगा जैसे इसमें डायरेक्टली दे दिया जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो यहाँ से क्यू क्या निकल जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव दैट इज बोलो कितना बचा जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन फाइव डन यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना चलिए अब आप पहले क्वेश्चन पे आ जाइए पहला क्वेश्चन है कि एक भी फ्यूज ना हो यानी जीरो जीरो सक्सेस जीरो सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरोस जीरोस चाहिए इसको है ना अगेन फॉर्मूला लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स इसका रेफरेंस लेंगे अगेन तीनों चारों पार्ट्स में जो भी उसने पूछे और एक दूसरे का हेल्प भी करेंगे ना जैसे एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है फाइव सी जीरो अच्छा क्यू क्यू की वैल्यू क्या है तो जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर तो हो जाएगी फाइव फाइव माइनस जीरो हो जाएगी और जीरो पॉइंट जीरो फाइव की पावर हो जाएगी जीरो तो उसको आगे सोल्व किया तो फाइव सी जीरो वन फाइव और उसकी वैल्यू वन तो एक्चुअली जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फाइव इज द आंसर चेक करो इसको तो आगे सोल्व करना ही नहीं डेसिमल फॉर्म में दे रखा है पीछे? की पावर, लगा दे ना पीछे जीरो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है नॉट मोर देन वन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा किया था अपन ने पहले एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि लेस देन इक्वल टू और जीरो हो सकता है इसको स्प्लिट करेंगे सो इट विल लाइक जीरो की निकालीजी है ना प्लस प्लस एक्स इक्वल टू वन राइट ठीक है सो एक्स इक्वल टू जीरो मारो जीरो की पावर फाइव ये हमने निकाल लिया और उसको निकालना है सो so ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फाइव माइनस वन और जीरो पॉइंट जीरो फाइव की पावर क्या है वन ठीक है सो इट विल बी लाइक जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फाइव तो है ही सही और फाइव सी वन क्या होता है फाइव और जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फोर हाँ टू जीरो मैं जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फोर कॉमन आ रहा है ना तो अंदर क्या बचता है एक तो बचता है जीरो पॉइंट नाइन फाइव प्लस फाइव इंटू फाइव फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो कितना होता है जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है एड कर देते हैं सो जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फोर मल्टीप्लाइड बाय ऐड करना जरा पांच पांच दस वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट टू कैसे पहले लिख लो कैसे बाद में लिख लो वन पॉइंट टू चेक वन फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फोर इंटू वन पॉइंट थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है मोर देन मोर देन वन एक से ज्यादा चाहिए अब आपको

क्या कर दो जीरो और वन चाहिए यही आंसर है ऊपर यही तो निकाला है जीरो और वन पूछने का तरीका अलग है दोनों आंसर सेम है चेक करो सेम आंसर है ऊपर वाला चेक करो तो ऐसा कंफ्यूज करता है चार अच्छा सॉरी 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 वन वन से ज्यादा पूछ रहा है तो वन से ज्यादा पूछ रहा है और हमने ये जीरो और वन निकाला यस yes, ऑब्वियसली तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन सही है अब सही है ना भाई उसमें हमको जीरो और वन चाहिए और इसमें यही नहीं चाहिए उसके अलावा सब चाहिए टू चाहिए थ्री चाहिए फोर चाहिए फाइव चाहिए जीरो और वन ही नहीं चाहिए सो so, वो जो हमने निकाला था उसको माइनस कर दूंगा तो वन माइनस क्या था वो वो था जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फोर इन टू वन पॉइंट टू बस यही छोड़ेगा ऑब्वियसली कर भी कह सकता है न? कॉमन तो आ नहीं रहा फोर्थ वन इस लाइक फोर्थ वन क्या चाहिए कम से कम एक कम से कम एक यानी एक से एक या एक से ज्यादा तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन अब इसको कैसे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो जीरो नहीं चाहिए बस तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और जीरो की निकाल चुके हो आप ऊपर निकाली थी सबसे ऊपर निकाली थी जीरो पॉइंट नाइन फाइव सो इट इज लाइक वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव की पावर फाइव मैच करो आंसर तो ऐसा नहीं है कि चार क्वेश्चन है तो ये चार बार ही करना होता है ये कम करीब करीब एक या दो चीजें निकालनी होती है देखो तो पूरे क्वेश्चन में आपने क्या क्या निकाला

जीरो की एक बॉल है जीरो जिस पर मार्क है वन की एक है टू की एक है अप टू अपन दस बॉल्स हमारे पास है ठीक इस दस में से हमने कितनी निकालनी है कितनी निकालनी है चार निकालनी है चार बॉल्स हमको ड्रॉ आउट करनी है विथ रिप्लेसमेंट करनी है आगे मजा अगर विथआउट कहता तो ये तो बर्नौली ट्रायल बनता ही नहीं ठीक है विथ रिप्लेसमेंट वो दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट जीरो तो चार में से चारों बॉल ऐसी निकलनी चाहिए जिसमें जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए तो जीरो डिजिट आना हमारी सक्सेस है और फिर अपने को नंबर ऑफ सक्सेस जीरो चाहिए समझ आई बात ठीक है ना तो हम क्या कर देंगे इसका तो आप सैंपल स्पेस भी ड्रॉ कर सकते हो ना? है ना सैम्प छोटा सा ये तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मतलब एक ट्रायल का तो कर सकते हो सबका तो चेक चार बोल्स का तो नहीं कर सकते क्योंकि चार बोल्स का तो बताए कैसे बनेगा जैसे देखो ऐसे बनेगा जीरो को मा जीरो जीरो को मैं जीरो को मैं जीरो को मा जीरो करते 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 टोटल कितने हो गए टेन टेन नंबर है और चार बार कर रहे हो टेन की पावर फोर यानी कि दस हजार सैंपल पॉइंट्स बनेंगे तो वो तो नहीं कर सकते पर एक ट्रायल का सैंपल स्पेस तो आप रेडी कर ही सकते हो ठीक है चलो तो इट क्लियरली इट इज ए केस ऑफ बनोली टाइल इन विच कितनी बॉल्स निकाल रहे हैं अपन चार चार निकाल रहे हैं सक्सेस को अपन डिफाइन कर देते हैं गेटिंग अ बॉल विथ द डिजिट जीरो या ड्रॉइंग अ बॉल ड्रॉइंग अ बॉल विथ द डिजिट जीरो Okay. failure is defined as not drawing a ball with the digit 0 not drawing a ball with the digit 0 so from here on we will cl clearly get the hint of what is p and q right mm -hmm. so yeah has and q and i P क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी हो जाएगा मेरा डिजिट जीरो बट इजी इसलिए लगती है जब पहचान हो जाती है अब आपको क्या चाहिए एक भी डिजिट जीरो की मार्किंग नहीं चाहिए नहीं? आपको एक भी सक्सेस नहीं चाहिए दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो चाहिए फॉर्मुला हमारे पास है ही सही

सो नाइन की पावर फोर डिवाइड बाई टेन की पावर फोर इन टू वन बाई टेन ये भी वन हो गया सो नाइन बाई टेन होल्ड टू द पावर फोर इसका आंसर चेक करो इसी फॉर्म में है या आगे सॉल्व किए नाइन की पावर फोर आती है क्या? वैसे नाइन की पावर फोर आती है क्या आपको नहीं आती नाइन की पावर फोर यानी थ्री की पावर एट थ्री की पावर फाइव तो पता है टू फोर्टी थ्री और तीन पावर और जोड़ो सत्ताईस तो ये कर, ये कर करेंगे तो ये आएगा पर इतना नहीं करना ओके okay? ठीक so, है की पावर ना इंट्रोडक्शन कर लिया और कुछ एक डायरेक्ट क्यूशन कर लिया कल के क्लास में कुछ एक नीचे के एडवांस क्यूशन है जो अपने ठीक है थीके? कल खत्म करनी है एनी हाउ है ना फिर परसों से मेस्लिनियस दो दिन मेस्लिनियस और फिर एक दिन टेस्ट और फिर टेस्ट का एनालिसिस उसी दिन कर लेंगे यानी एक दिन में टेस्ट और प्रोबेबिलिटी और टेस्ट और एनालिसिस तो कितने दिन बचे अभी इसकी एक्सरसाइज में भी कल का दिन तो मान लो इस एक्सरसाइज को खत्म करने में लग जाएगा है ना क्योंकि नहीं आज तो शाम को नहीं हो पाएगी कल का दिन में तो ये एक्सरसाइज हो गई है ना फिर परसों सुबह शाम बुला के मेस्लिनियस कर सकते हैं क्या ट्राई करेंगे परसों सुबह शाम मिला के मिस्लिनस करने की कोशिश करेंगे उसके अगले दिन सुबह शाम बुला के टेस्ट का काम यानी दो तीन दिन में हो जाएगा चैप्टर है ना चलो तो खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस हैव डे कीप लर्निंग एंड